वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबू का किचन। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल स्टीम चिकन। ये बहुत ही डिलीशियस और स्पाइसी रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। रेस्टोरेंट स्टाइल स्टीम चिकन बनाने के लिए सबसे पहले पेस्ट रेडी करते हैं। एक बाउल में आधा कप दही, स्वाद अनुसार नमक, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस, एक चुटकी ऑरेंज फूड कलर, एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, एक बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच मरी पाउडर, एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, एक छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच चिकन मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पेस्ट रेडी है, चिकन मैरिनेट करते हैं। एक बाउल में एक किलो चिकन, चिकन को इस तरह से कट लगा दिया है और चिकन को बड़े पीस में कट कर लिया है। अब चिकन में बनाई हुई पेस्ट ऐड करेंगे। चिकन को पेस्ट के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद एक घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। एक घंटा चिकन को मैरिनेट करने के बाद इसे स्टीम करेंगे। एक फॉइल पेपर पर इस तरह से चिकन के पीस रखेंगे। बचा हुआ मसाला चिकन पर लगाएंगे। और चिकन को इस तरह से कवर करेंगे। अब चिकन को स्टीम करने के लिए एक पतीले में 3 गिलास पानी लिया है। इस तरह से एक स्टैंड रखेंगे, इस पर फॉइल किया हुआ चिकन रखेंगे। ढककर इसे पहले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टीम करेंगे। 5 मिनट बाद गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसे लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट स्टीम करने के बाद चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया है। चिकन स्टीम हो जाने के बाद एक बार चेक कर ले, अगर चिकन अच्छी तरह से कुक नहीं हुआ है तो 5 से 7 मिनट के लिए फिर से स्टीम कर ले। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से चिकन स्टीम हो गया है। अब एक फ्राई पैन में एक बड़ा चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हाफ क्रश किया हुआ एक बड़ा चम्मच लहसुन और एक बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। इसे 1 मिनट के लिए खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। एक मिनट फ्राई करने के बाद स्टीम किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। लहसुन और चिली फ्लेक्स के साथ चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे।
थोड़े से तिल स्प्रिंकल करेंगे। मिक्स करने के बाद ये रेडी है सर्व करने के लिए। बारीक कटी हुई कैबेज पर चिकन के पीस रखेंगे, टमाटर की स्लाइस रखेंगे, खीरा और नींबू की स्लाइस से गार्निश करेंगे। अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल स्टीम चिकन की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।